यहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सूट कमीज की कटिंग करेंगे। ये हमने अपना सूट लिया है, ये सलवार का कपड़ा है, ये कमीज का कपड़ा है। कमीज का कपड़ा 2.5 मीटर है, सलवार का कपड़ा 2 मीटर है। पहले हम कमीज की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम सलवार की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम कमीज ले लेते हैं। आप देखिए, ये हमारा प्रिंट वाला कपड़ा है, इस पूरे कपड़े में प्रिंट है। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि ये प्रिंट आपको किस तरीके से लेना है। ये जो प्रिंट है, ये हमारी कमीज के नीचे बॉर्डर पे और बाजू के ऊपर आना चाहिए, यहाँ पे बाजू पे और नीचे कमीज की बॉर्डर पे। और ये जो डिजाइन है, इसको हमने कुर्ती में लंबा लेना है, आडा नहीं लेना है। अब आप इस तरीके से कुर्ती की कटिंग करेंगे तो ये डिजाइन तो बॉर्डर पे आ जाएगा, लेकिन ये डिजाइन भी आडा आएगा कुर्ती में। इस डिजाइन को हमने आडा नहीं लेना है, कुर्ती में लंबा लेना है, क्योंकि आपकी कुर्ती की और भी ज़्यादा लुकिंग अच्छी आएगी लंबा लगाएंगे तो। हम इसको कैसे काटेंगे? सबसे पहले इस कपड़े को तो हम बाद में काट के अपनी कुर्ती की बॉर्डर पे और बाजू पे लगाएंगे। इस कपड़े को बाद में हम लगा लेंगे। सबसे पहले हम कपड़े को ऐसे खोलेंगे और लंबाई से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। ये मैंने लंबाई से कपड़ा फोल्ड कर लिया है और ये मैंने डबल फोल्ड किया है, यानी कि कमीज की फ्रंट और बैक दोनों साइड के लिए मैंने फोल्ड कर लिया है। और ये कपड़ा मैंने इधर की साइड छोड़ दिया है, ये डिजाइन वाला कपड़ा मैंने इधर छोड़ दिया है। इसमें से हम अपनी बाजू बनाएंगे और इस डिजाइन को निकाल लेंगे। अब यहाँ से आपको कितना फोल्ड करना है कि जैसे आप अपनी कमीज की चौड़ाई रखते हैं उतना आपको यहाँ से फोल्ड करना है। मैं अपने कमीज की चौड़ाई रखूँगी 20 इंच, तो मैंने 2 इंच ये एक्स्ट्रा लिया है, तो मैंने ये 12 इंच से फोल्ड कर लिया है, यानी कि मैंने दोनों साइड में फोल्ड करने के लिए भी इसमें कपड़ा ले लिया है। सबसे पहले हम यहाँ से कमीज की लंबाई लेंगे, यहाँ से हम 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे जिसको हम नीचे फोल्ड करेंगे। ये मैंने 2.5 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए कपड़ा रख लिया है। और यहाँ से हम अपनी कमीज की लंबाई लेंगे, जितनी हम लंबाई रखेंगे, मैं अपना कमीज की लंबाई रखूँगी 37.5 इंच, यानी कि 37 इंच रखूँगी। तो यहाँ से मैंने 37 इंच पे निशान लगाया और एक निशान मैंने 1/2 इंच ऊपर लगाया है, यानी कि 1/2 इंच मैंने ऊपर शोल्डर की सिलाई के लिए लिया है। और यहाँ पे मैंने ये जो 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे। और यहाँ से भी हम दोनों निशानों को ऐसे सीधा कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 इंच ये ऊपर सिलाई के लिए रखा है। अब यहाँ से हम अपनी शोल्डर का नाप लेंगे, शोल्डर हम रखेंगे 7.5 इंच, यानी कि 15 इंच शोल्डर है, तो हम आधा करेंगे तो 7.5 इंच लेंगे। और यहाँ से भी हम 7.5 या 7.75 इंच पे निशान लगा लेंगे। और इसके बाद यहाँ से हम इस निशान को ऐसे सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ से अपनी चेस्ट का नाप लेंगे, तो चेस्ट हम तैयार रखेंगे 18 इंच, तो 18 का आधा हम ये 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हमने 9 इंच पे निशान लगा लिया है। इसके बाद हम यहाँ से एक नीचे की तरफ 7 इंच पे निशान लगाएंगे, ये हमारी कमर का निशान है। और यहाँ से हम कमर हम 16 इंच तैयार रखेंगे, तो 16 का हम आधा करेंगे तो यहाँ पे हम 8 इंच पे निशान लगा लेंगे, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम अपनी हिप का नाप लेंगे, तो यहाँ पे आप 13.5 से 14 इंच तक निशान लगा सकते हैं, मैं ये 14 इंच पे लगा रही हूँ। और यहाँ से हम हिप रखेंगे 18 इंच तैयार रखेंगे, तो यहाँ पे भी हम 9 इंच पे ही निशान लगाएंगे। अब हम गुलाई देते हुए इन निशानों को ऐसे मिला देंगे। और देखिए, इसके बाद यहाँ पे हम 2 से 2.5 इंच इसमें प्लस करेंगे, मैं 2 इंच प्लस कर रही हूँ, आप ये 2.5 इंच भी प्लस कर सकते हैं।
और अब देखिए इसके बाद हम इस निशान को सीधा करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना घेर का नाप लेंगे। घेर हम तैयार रखेंगे 20, तो हमने ये 10 इंच पे निशान लगा लिया है। और अब हम इस निशान को ऐसे सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम इस निशान को भी ऐसे सीधा कर लेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पे आर्म होल की गोलाई देंगे। तो यहाँ पे आप इस तरीके से वैसे भी गोलाई दे सकते हैं, और आप इस गोलाई को इंच टेप से भी दे सकते हैं। 1.5 से पौने 2 इंच की गोलाई आप यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ से भी हम इसकी हल्की सी कटिंग करेंगे इस तरह से। और इसके बाद हम इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे हम कट लगाएंगे और इसके बाद हम इसमें से बैक साइड को निकाल देंगे। ये हमने इसमें से बैक साइड निकाल ली है। और अब हम देखिए फ्रंट साइड में गहराई देंगे। तो वह आपको किस तरीके से देनी है, सबसे पहले यहाँ से आपको आधा या पौना इंच पे अंदर की साइड निशान लगाना है और इसको ऐसे सीधा करना है। और ये जो सिलाई वाला निशान है, यहाँ से आपको इसमें गुलाई देनी है। यहाँ से इस तरीके से आपको इसमें गुलाई देनी है। और अब इसकी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। और ये हमने इसकी कटिंग कंप्लीट कर ली है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो ये कपड़ा बचा है हमारा, इसमें से हम बाजू बनाएंगे। ये मैंने अपनी दोनों बाजू के लिए कपड़ा फोल्ड करके रख लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम बाजू की लंबाई देखेंगे। बाजू की लंबाई हम 18 इंच तैयार रखेंगे। तो मैंने इसकी लंबाई 20 इंच फोल्ड करी है, क्योंकि 1 इंच नीचे की तरफ हम फोल्ड करेंगे और 1 इंच ऊपर की तरफ सिलाई में जाएगा। तो ये कपड़ा मैंने 20 इंच लिया है। अब हम यहाँ से बाजू की चौड़ाई लेंगे। तो यहाँ से हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को हम ऐसे सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से देखिए नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे 3 इंच पे। इस तरह से 3 इंच पे निशान लगाया। और यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे, एक निशान लगाएंगे 5 इंच पे। और यहाँ से हम इसमें गुलाई देंगे। और इसके बाद हम इन निशानों को ऐसे मिला देंगे। और अब इसकी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। और देखिए इसके बाद हम अपनी दोनों बाजू को खोल के रखेंगे, जैसे कि हम कुर्ती में अटैच करते हैं, इसी तरीके से हम दोनों साइड में बाजू को रख लेंगे इस तरह से। और अब हम अपनी दोनों बाजू में से ऊपर वाले कपड़े को उठाएंगे। इसमें से भी एक कपड़ा लिया और इसमें से भी हमने एक कपड़ा लिया। और यहाँ पे हम इसकी हल्की सी ज़्यादा कटिंग करेंगे। और ये कटिंग आपकी फ्रंट साइड में आनी चाहिए, यानी कि आगे की तरफ आनी चाहिए बाजू में। और यहाँ से हमने ये कटिंग कर ली है। अब हम अपनी दोनों बाजू के ऊपर वापिस इन कपड़ों को रख लेंगे। एक कपड़ा हम अपनी इस बाजू के ऊपर रखेंगे और इसको हम इसके ऊपर रख लेंगे। और आप देख सकते हैं ये गहराई हमारी दोनों साइड के बाजू में फ्रंट साइड में आ गई है।
इस तरीके से ही आपको बाजू रख के कटिंग करनी है। कई बार ऐसा होता है एक साइड की बाजू में तो बैक साइड में चली जाती है ये गहराई, और एक साइड की बाजू में फ्रंट साइड में आ जाती है। इसलिए आपको बाजू बराबर रख के जैसे कि मैंने रखी थी उस तरीके से कटिंग करनी है। इसके बाद जो ये कपड़ा है इसकी हम कटिंग करके कमीज की बॉर्डर पे लगाएंगे और बाजू पे लगाएंगे। ये हम स्टिचिंग करने के बाद लगाएंगे और तभी आपको बताएंगे कि हम इसको किस तरीके से लगाएंगे। आपको ये कटिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।